2025 जो है वो तेजस्वी के लिए डू और डाई का मुकाबला है जितना माहौल तेजस्वी यादव के फेवर में अभी है 25 तक उतना हो सकता है कि 30 के विधानसभा चुनाव में नहीं हो 29 के लोकसभा के चुनाव में नहीं हो तेजस्वी यादव जानते हैं कि ये मौका अगर वो भुना लिए तो सीएम का कुर्सी कोई नहीं रोक सकता है मढ़ौरा के उनके चौथी बार के विधायक जितेंद्र राय जी जो है उनके ही क्षेत्र से उनको कम वोट मिल गया अब ये तो विषय चर्चा का है ही अब इसी तरह आप जहां जहां जाएंगे कुमार सरोजीत का एग्जाम्पल ले लीजिए कुमार सरोजीत जिस बोध से विधायक है वहीं से उनको कम वोट मिल गया अब ऐसा ऐसा इक्कीस गुट क्षेत्र निकाला गया पत्रकारों ने ही निकाला और सूत्र से खबर आया कि तेजस्वी तो यादव ने उन विधायकों को इस बात का अल्टीमेटम दिया है कि आप लोग साठ दिनों के भीतर अपना परफॉर्मेंस सुधारिए तो पचीस में तेजस्वी का टारगेट यही है कि वो एक एक सीट पर जिसको टिकट देंगे वो इस बात की श्योरिटी चाहेंगे कि वो आदमी उनको सीट निकाल कर दे और लोकसभा चुनाव में जो विधायक अपने ही सीट से टिकट का जो मिला था आरजेडी को उसको अगर वोट नहीं दिलवा पाया तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो खुद भी जीत पाएगा जब बिहार की राजनीति की बात हो रही है तो 24 में जितना मुसलमान जितना यादव तेजस्वी के लिए एकजुट हुआ है उतना एकजुटता ना चौदह में था ना पंद्रह में था ना उन्नीस में था ना बीस में था ना लोकसभा, ना लोकसभा विधानसभा में 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 तेजस्वी यादव के लिए इमोशन आया है तेजस्वी बवंडर बन के आए हैं और चौबीस का इमोशन कैरी फॉरवर्ड पच्चीस में होना ही है अब बस शर्त इस बात का है कि आप कैंडिडेट कैसा देते हैं वो लोकसभा का मुद्दा अलग होता है विधानसभा का मुद्दा अलग होता है लेकिन जो विधायक जीत कर आया है ऐसा कई बार होता है कि वो विधायक ठीक से काम नहीं करता है लोगों के बीच नाराजगी होती है वो आदमी अपने आप को भगवान समझने लगता है तेजस्वी तो यादव यात्रा पर जाकर ये चीज कंफर्म करने वाले हैं कि जिन्हें कई लोग का नाम उनके पास है नाम मतलब क्या जोन जो क्षेत्र से उनको कम वोट मिला वो लोग ठीक काम किए हैं कि नहीं किए हैं ये बात तय वेद जी थोड़े हुआ है कि जितेंद्र राय का टिकट कट जाएगा ये बात तय थोड़ी हुआ है कि अवध जी का टिकट कट जाएगा टिकट उसका ही कटेगा जब फील्ड पर जाकर ये सर्वेयर सर्वे करके ले आएगा आरजेडी का कि भाई साहब इनकी स्थिति ठीक नहीं है आपको एक और बात हम पहले बोले अभी लोकसभा में वोटिंग का पैटर्न अलग है लोकसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियां बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करना शुरू कर दी है और इस कारण से लगातार हर पार्टी जो है लोकसभा में आए परिणामों के बाद अपने पार्टी की समीक्षा बैठक कर रहा है और इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल ने एक अहम निर्णय ले लिया है और उस निर्णय के कारण राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान के इक्कीस विधायकों के ऊपर तलवार लटक रही है हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो ये निर्णय लिया है इस जिसके कारण 21 विधायकों का नाम जो है अगले विधानसभा चुनाव के लिए खतरे में पड़ गया है इससे राष्ट्रीय जनता दल को फायदा होगा या नुकसान होगा इन्हीं चीजों पर हम चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार मेरा नाम वेद प्रकाश है आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय सबसे पहले स्वागत है धन्यवाद राष्ट्रीय जनता दल ने एक सूची जारी किया है जिसमें 21 विधायकों का नाम है और इस बात का कयास लग रहा है कि इक्कीस विधायकों का टिकट जो है विधानसभा चुनाव में कट सकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान उस विधानसभा क्षेत्र में मतलब प्रत्याशियों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है आरजेडी कोई सूची जारी नहीं की है हुआ क्या है कि जब समीक्षा बैठक हुआ था तो अंदर से सूत्र से यह खबर आया कि जब समीक्षा बैठक हुआ तो सबसे ज्यादा उन विधायकों से सवाल पूछा गया जिन विधायकों के एरिया में जिन विधायकों के क्षेत्र में उनके ही प्रत्याशी को कम वोट मिला अब बात समझिए एक लोकसभा में चार से पांच विधानसभा होता है अब मान लीजिए कि हम पहले सारण का ही बात कर लेते हैं तो सारण में गरखा आता है मढ़ौरा आता है और भी कई विधानसभा आते हैं अब जब चुनाव होता है तो वहां से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ती हैं और उसके बाद जब वो चुनाव हार जाती हैं तेरह हजार वोट से तो ये निकाला जाता है कि कौन से विधानसभा से किसको कितना वोट मिला इसका डेटा मिल जाता है और जब इसका डेटा मिल जाता है तो इस बात पर विश्लेषण होता है कि कौन से विधानसभा से रोहिणी आचार्य को ज्यादा वोट मिला कौन से विधानसभा से रोहिणी आचार्य को कम वोट मिला और जहां पर कम वोट मिला वहां पर कौन सी पार्टी का विधायक है यह काम आरजेडी नहीं करती है सब लोग करता है चुनाव के बाद अब जब आरजेडी की तो मालूम चला कि देखिए के के उनके चौथी बार के विधायक जितेंद्र राय जी जो है उनके ही क्षेत्र से उनको कम वोट मिल गया अब ये तो विषय चर्चा का है ही अब इसी तरह आप जहां जहां जाएंगे कुमार सरवजीत का एग्जाम्पल ले लीजिए कुमार सरवजीत जिस बोध से विधायक है वहीं से उनको कम वोट मिल गया अब ऐसा ऐसा इक्कीस गो क्षेत्र निकाला गया पत्रकारों ने ही निकाला और सूत्र से खबर आया कि तेजस्वी यादव ने उन विधायकों को इस बात का अल्टीमेटम दिया है कि आप लोग साठ दिनों के भीतर अपना परफॉर्मेंस सुधारिए एक जाकर धन्यवाद यात्रा निकालिए और लोगों से मिलकर यह तय कर लीजिए कि विधानसभा चुनाव में क्या होगा अब समझिए कि ऐसा क्यों हुआ ऐसा वेद बाबू इसलिए हुआ क्योंकि तेजस्वी यादव खुद ही निकलने वाले हैं अभी भ्रमण पर वो खुद घूमने जाने वाले हैं और वो तेजस्वी यादव जाकर पता करेंगे कि भाई साहब बहा माहौल क्या है जो लोग वोट देता है वो लोकसभा का मुद्दा अलग होता है विधानसभा का मुद्दा अलग होता है लेकिन जो विधायक जीत कराया है ऐसा कई बार होता है कि वो विधायक ठीक से काम नहीं करता है लोगों के बीच नाराजगी होती है वो आदमी अपने आप को भगवान समझने लगता है तेजस्वी यादव यात्रा पर जाकर ये चीज कंफर्म करने वाले हैं कि जिन्हें कई लोग का नाम उनके पास है नाम मतलब क्या जोन जो क्षेत्र से उनको कम वोट मिला वो लोग ठीक काम किए हैं कि नहीं किए हैं अगर तेजस्वी यादव को बिल्कुल एक का भी शक होगा तो देखिए बेदा बात जान लीजिए कि 2025 जो है वो तेजस्वी के लिए डू और डाई का मुकाबला है जितना माहौल तेजस्वी यादव के फेवर में अभी है 25 तक उतना हो सकता है कि 30 के विधानसभा चुनाव में नहीं हो 29 के लोकसभा के चुनाव में नहीं हो तेजस्वी यादव जानते हैं कि ये मौका अगर वो भुना लिए तो सीएम का कुर्सी कोई नहीं रोक सकता है और तेजस्वी यादव ये भी जानते हैं कि अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो सीएम वो हो सकता है कि ना बन पाए क्योंकि 25 के बाद 30 तक भाजपा और जदयू क्या खेल करेगा कौन नया नेता उभर के आएगा प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं भाजपा किसको प्रमोट कर दे ये कोई नहीं जानता है तो 25 में तेजस्वी का टारगेट यही है कि वो एक एक सीट पर जिसको टिकट देंगे वो इस बात की श्योरिटी चाहेंगे कि वो आदमी उनको सीट निकाल कर दे और लोकसभा चुनाव में जो विधायक अपने ही सीट से टिकट का जो मिला था आरजेडी को उसको अगर वोट नहीं दिलवा पाया तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो खुद भी जीत पाएगा तो इसीलिए इस बात की चर्चा तेज है कि तेजस्वी तो यादव टिकट काटेंगे और वो चाहते हैं भरोसा भरोसा इस बात का कि अगर आपको टिकट मिल रहा है तो आपको जीत कर वो सीट आरजेडी के झोली में डालना ही पड़ेगा तेजस्वी तो यादव रिस्क लेने के मूड में नहीं है ये लोकसभा के वोटिंग से ज्यादा बेद इस बात का इसका चर्चा है कि तेजस्वी तो पच्चीस का मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं तेजस्वी तो अगर मौका छोड़ेंगे तो समझ लीजिए खेल खराब हो जाएगा क्या लगता है राजद को इसका फायदा मिलेगा या नुकसान होगा राजद को फायदा ही मिलेगा कोई भी पार्टी इस दुनिया की कोई भी पार्टी अगर चुनाव में हार के बाद जो विश्लेषण करती है जो समीक्षा बैठक करती है और जो उस समीक्षा बैठक का कंक्लूजन होता है उस कंक्लूजन पर इस दुनिया की कोई भी पार्टी अगर वाकई में ईमानदारी से काम कर दे तो नुकसान का तो वेद जी कोई बात ही नहीं है अब होता क्या है सुनिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घूमिएगा बिहार में तो लोग कहेगा ना एक तो कहेगा कि नीतीश जी बहुत पागल आदमी है उनको हटाओ एक तरह का और लोग जो तो कहेगा कि नीतीश जी बहुत अच्छी आदमी है बताइए नीतीश जी कोई घोटाला किए नहीं उनके नाम पे कोई घोटाला आप नहीं बोल सकते हैं नीतीश जी क्या किए तो नीतीश जी बिहार को ठीक किए लेकिन दिक्कत यह हुआ कि नीतीश जी तक उनके लोगों ने जो उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है सही बात पहुंचाया ही नहीं तो जब उनको मालूम ही नहीं है कि भाई साहब ऐसा कुछ है तो वो उसको ठीक कैसे करेंगे सेम गोज द समीक्षा बैठक समीक्षा जैसे फॉर एग्जांपल आरजेडी ने एक बड़ा अच्छा बात कहा कि नीतीश कुमार पुल वाला जो मीटिंग किए वो अधिकारी के साथ किए मंत्री वहां होना चाहिए था वो जनता का चुना हुआ मंत्री है आपने उसको जिम्मेदारी दी है और वही वहां नहीं है तो किस बात का बैठक सेम बात समीक्षा बैठक हुई अगर वाकई में जो रिजल्ट आता है वो बड़े नेता तक पहुंचे बड़े नेता इसका अपने आप से फॉलो अप ले कि जो ये काम गलत हुआ था क्या इस चुनाव में हम वो लोग वो लोग काम सही कर रहे हैं अगर वो बात हो जाए तो आरजेडी को फायदा होगा और हम बार बार रिपीट कर रहे हैं बेद जी तेजस्वी तो यादव के पास 25 जो है वो एक डू एंड डाई मौका है अगर इसमें वो लोग समीक्षा बैठक का फॉलोअप करते हैं सही तरीके से काम करते हैं तो हो सकता है कि

ये बात तय थोड़ी हुआ कि अवध जी का टिकट कट जाएगा टिकट उसका ही कटेगा जब फील्ड पर जाकर ये सर्वेयर सर्वे करके ले आएगा आरजेडी का कि भाई साहब इनकी स्थिति ठीक नहीं है आपको एक और बात हम पहले बोले अभी लोकसभा में वोटिंग का पैटर्न अलग है जिस बोध गया से कुमार सर्वजीत विधानसभा का चुनाव जीत कर आए उसी बोध गया से उनको कम वोट मिला इसका कोई लॉजिक है इसका कोई लॉजिक नहीं हो सकता इसका लॉजिक सिर्फ इतना है कि वहां के लोग लोकसभा में कुछ और देखकर कुछ और सोचकर वोट करते हैं और विधानसभा में कुछ और देखकर कुछ और सोचकर वोट करते हैं कुमार सर्वजीत बहुत सुलझे हुए नेता हैं कुमार सर्वजीत ठीक ठाक काम करते हैं हम उनको पर्सनली भी जानते हैं लेकिन वो हार गए अपने ही सीट से उनको वोट कम मिला तो समझिए समीक्षा पहले होगा समीक्षा के बाद सर्वे होता है लेकिन हाँ ये बात भी तय तो है कि अगर ग्राउंड पर जाकर तेजस्वी यादव के लोगों ने ये देखा उन कि किसी आदमी के खिलाफ किसी विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है या उनके खिलाफ रोष और गुस्सा है तो अगर वो पाँच छह महीना में वो आदमी मैनेज कर पाता है तो ठीक है विधायक साहब मेहनत कर पाते हैं तो ठीक है वरना टिकट कटना तय है और ये फायदा ही फायदा वाला सौदा है अगर वाकई में सही लोग को टिकट दिया बहुत बात है समझिए इस बात को टिकट कटेगा बेद बाबू तो नया लोग को मौका मिलेगा अगर नया लोग आएगा तो बढ़ चढ़ के काम करेगा एनर्जी रहेगा बिहार बढ़ेगा तो बहुत तरह का बात है इसमें अब देखते हैं धीरे धीरे होता क्या है मेरा अंतिम प्रश्न है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के राजद जिस तरीके से मिशन मोड पर तैयारी कर रही है कितना सफल हो पाएगी हमको लगता है कि राजद के पास हमको भी प्रश्न लगता है कि ये 25 जैसा देखिए आप इमोशन से दुनिया चल रहा है इमोशन देखा आपने कल मुंबई के वानखेड़े में इमोशन आपने देखा मरीन ड्राइव से लेकर नरीमन पॉइंट तक वो क्या था वो लोग अपना सब काम छोड़कर भीड़ में क्यों आए थे विराट कोहली कोई इतना सुंदर थोड़ी है कि उनके जैसा आदमी नहीं है और सुंदर है भी तो लोग घर पे बैठ के YouTube पर वीडियो नहीं देख सकता है क्या तो विराट कोहली रोहित शर्मा जसप्रीत ये बुमराहर चहल सूर्य कुमार यादव शिवम दुबे को लोग देखने क्यों गया वो इसलिए गया क्योंकि वो उनके स्टार हैं भारत भावनाओं का देश है वैसे ही जब बिहार की राजनीति की बात हो रही है तो 24 में जितना मुसलमान जितना यादव तेजस्वी के लिए एकजुट हुआ है उतना एकजुटता ना 14 में था ना 15 में था ना 19 में था ना 20 में था ना लोकसभा ना विधानसभा में 24 में तेजस्वी यादव के लिए इमोशन आया है 24 में तेजस्वी बवंड बन के आए हैं और 24 का इमोशन कैरी फॉरवर्ड 25 में होना ही है अब बस शर्त इस बात का है कि आप कैंडिडेट कैसा देते हैं शर्त इस बात का है कि आपकी तैयारी कैसी है जो क्यों कहते हैं कि भाजपा की संगठन बहुत अच्छी संगठन है क्यों कहा जाता है इसका रीजन है संगठन जो होता है ना वो आदमी को बेस देता है बेस मजबूत तो सब मजबूत बिल्डिंग गिरेगा ही नहीं वही अगर वाकई में मिशन मोड में काम हो जाए तो समझिए कि उनका सीएम बनना तय है और ये इस बार मिशन मोड में करना ही पड़ेगा अगर तेजस्वी अपना भला चाहते हैं तो चलिए आप तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं उनकी राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल कितना सफल हो पाएगी अपना राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन कैमरे के पीछे है विशाल बहुत बहुत धन्यवाद